अगर आप दुनिया के इन ममालक में पैदा होते तो आपको भी कब्र पर टैक्स देना पड़ता, पेशाब पर टैक्स देना पड़ता, नमक पर टैक्स देना पड़ता, घरों में खिड़कियां बनाने पर भी टैक्स देना पड़ता, यहाँ तक के दाढ़ी रखने पर भी टैक्स देना पड़ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं अजीबोगरीब टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वार डायरी में एक दफ़ा से फिर से खुश आमदीद, चलते हैं वीडियो की तरफ। कब्र पर टैक्स। टैक्स महसूल उस दौर में भी वसूल किया जाता था जब आज के दौर की तरह रुपए, पैसे या करेंसी का वजूद भी नहीं था। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के मुताबिक मौजूदा इराक में पाई जाने वाली कदीम मेसोपोटामिया की तहजीब में मुर्दे की तदफीन पर टैक्स वसूल किया जाता था। ये टैक्स बियर के 7 ड्रम या 420 रोटियां या एक बकरी या अनाज की 2 बोरियां या एक बिस्तर भी हो सकता था। इसके अलावा हुकूमत दीगर इशिया और खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स वसूल करती थी, जिसके तहत टैक्स दहिंदा को अजनास, मवेशी, दहात या शराब वगैरह की सूरत में अशिया सरकारी मालखाने में जमा करवाना होती थी। पेशाब पर टैक्स। अमोनिया की भारी मकदार की वजह से कदीम रोम में इंसानी पेशाब को कपड़े धोने, सफाई और हत्ता के दांत चमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पेशाब जमा करने के लिए अवामी बैतुल खलाओं में बड़े बड़े ड्रम रखे जाते थे और पेशाब इकट्ठा करने के बाद उसे फरोख्त कर दिया जाता था। कदीम रोमी मुसन्नफ सियोटोनियस ने अपनी किताब द लाइव्स ऑफ सीजर्स में लिखा है कि 79 से लेकर 69 कबल मसीह के दौरान फरमारवा वेस्पेजियन ने इस तजारत पर टैक्स आयद कर दिया था। किताब में लिखा है कि रोम के उमरा और शाही हुकाम इस टैक्स को इंतहाई नागवार तसव्वुर करते थे, इसलिए जब इस मद में टैक्स वसूली का आगाज़ हुआ तो वो नाक भूं चढ़ाया करते थे। खिड़की बनाने पर टैक्स। आज जब टैक्सों में इजाफे की शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि हुकूमत का बस चले तो हवा पर भी टैक्स आयद कर दे। हवा पर तो नहीं, लेकिन एक दौर में बरतानिया में उन खिड़कियों पर टैक्स आयद कर दिया गया था जिनसे हवा आती है। बरतानिया में कानून साजी की तारीख और मालूम फ्राहम करने वाली वेबसाइट parliament.uk के मुताबिक खिड़की टैक्स 1696 में आयद किया गया था। इसके तहत जिन मकानों में 10 से ज़ायद खिड़कियाँ होती थीं उन्हें अजाफी टैक्स अदा करना पड़ता था। इस टैक्स का बुनियादी मकसद शहरी आबादी में बड़े घरों से ज़्यादा टैक्स वसूल करना था, लेकिन इससे कई पेचीदगियों ने जन्म लिया। शहरियों में आम तौर पर लोग अलग-अलग बड़े मकान की बजाय बड़ी इमारतों के छोटे छोटे हिस्सों में रहते थे। चूंकि ये टैक्स मालिक मकान से वसूल किया जाता था, इसलिए टैक्स से बचने के लिए इमारतों के मालिकान ने खिड़कियाँ बंद करना शुरू कर दी थी। parliament.uk के मुताबिक कानून में खिड़की की तारीफ भी वाज़े तौर पर नहीं की गई थी, इसलिए कई मरतबा हुकाम छोटे रोशनदानों या दीवारों में पड़ने वाले छोटे बड़े शगाफों पर भी टैक्स का मुतालबा करते थे। सन 1767 में इस कानून के तहत 7 खिड़कियों वाले घरों को भी टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया। इस टैक्स के बायस लोग कम खिड़कियां बनाने लगे थे, जिसके नतीजे में इमारतों में हवा और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों की सेहत मुतासर होने लगी। और एक वक्त आया जब इस टैक्स की मुखालफत बढ़ने लगी। इंतहाई गैर मकबूल टैक्स होने के बावजूद भी इस टैक्स का खात्मा तवील कानूनी जंग और अवामी मुहिम के बाद 1851 में ही हो सका। दाढ़ी रखने पर टैक्स। एक दौर था जब दुनिया के बाज़ हिस्सों में दाढ़ी को ऐशो इशरत की अलामत समझा जाता था और इसीलिए इस पर बाकायदा टैक्स भी आयद किया जाता था। रूस में दाढ़ी पर टैक्स के तारीखी शवाहद मिलते हैं, जिनके मुताबिक 1698 में रूस के हुक्मरान पीटर अव्वल ने दाढ़ी रखने वालों पर अजाफी टैक्स आयद कर दिया था। कानूनी अमूर पर तहकीकी मवाद शाया करने वाले जरीदे द ग्रीन बैग के एक मजमून के मुताबिक पीटर अव्वल की जानब से ये टैक्स आयद करने के कई असबाब बयान किए जाते हैं। बाज़ मुरखीन का ख्याल है कि पीटर अव्वल रूस की सोसाइटी को यूरोपी कल्चर से हम आंग करना चाहते थे। इसके अलावा वो दाढ़ी रखने को कदामत की अलामत भी समझते थे, इसलिए उनके दरबार में किसी शख्स को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं थी। और कई मौके पर ऐसा भी हुआ कि उनके सामने कोई बारे शख्स आया तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी दाढ़ी मूंड दी। रूस में ईसाइत के आर्थोडॉक्स फिरके के मजहबी पेशवा भी दाढ़ी रखते हैं। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि पीटर अव्वल के चर्च के साथ इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से उसने ये टैक्स आयद कर दिया। दरबार शाही और फौज से ताल्लुक रखने वालों पर 60 रुबल सालाना दाढ़ी टैक्स आयद किया गया था। इसी तरह दौलतमंद अफराद के लिए ये शरह 100 रुबल सालाना थी। मास्को के शहरियों को दाढ़ी पर 30 रुबल अदा करना पड़ते थे, जबकि शहर के बाहर से अजनास वगैरह फरोख्त करने के लिए आने वाले बारिश अफराद को हर मरतबा शहर में दाखिले पर निसफ कोपिक दाढ़ी टैक्स अदा करना पड़ता था। ये टैक्स अदा करने वालों को सबूत या टैक्स अदायगी के सर्टिफिकेट के तौर पर एक दहाती टोकन भी दिया जाता था। ऐसे बाज़ टोकन आज भी रूस के अजायब घरों में महफूज हैं। नमक पर टैक्स। बरसगीर में बरतानिया की हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा महसूलात इकट्ठा करने के लिए
कई सख्त कवानीन बनाए थे। 1882 में नाफिज किया गया साल्ट एक्ट भी ऐसा ही कानून था, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों पर नमक की कानकुनी या उसे फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बरसगीर में चट्टानी नमक के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं और नमक यहाँ की रोज़मर्रा खुराक का लाजमी जुज़ रहा है, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने ना सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नमक का कारोबार करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, बल्कि अजाफी टैक्स आयद करके इस पर बरतानवी हुकूमत की इजारादारी भी कायम कर दी थी। इस टैक्स की वजह से अपने ही मुल्क से निकलने वाला नमक हिंदुस्तान के बाशिंदों को महंगे दामों खरीदना पड़ता था। महात्मा गांधी ने 1930 में साल्ट एक्ट के खात्मे के लिए 240 मील तवील मार्च किया। इस दौरान गांधी को गिरफ्तार भी किया गया। इस अवामी मुहिम की वजह से गांधी को मुलकगीर शोहरत हासिल हुई। बाद अज़ां मार्च 1947 में अकबूरी हुकूमत ने साल्ट टैक्स का खात्मा कर दिया। मसला हल करें और टैक्स की छूट पाएँ। आज भी हुकूमतें मईशत के किसी खास शोबे को तरक्की देने के लिए टैक्स इस्तिस्ना या एमएनएसटी का ऐलान करती हैं। हज़ारों वर्ष कबल भारत में कायम मौर्य सल्तनत ने भी एक मुनफरद टैक्स छूट मुतारफ़ करवाई थी। हिंदुस्तान में मौर्य ख़ानदान की सल्तनत 321 से 185 कबल मसीह तक कायम रही। इसी दौर में हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले यूनानी सियाह मेगास्थीन्स ने हिंदुस्तान से मुतालिक अपनी किताब में लिखा है कि मौर्य ख़ानदान को जब कोई पेचीदा मसला दरपेश होता तो वो इसका हल निकालने के लिए शहरियों में एक मुकाबला मुनाकद करते थे। इस मुकाबले में जिस शहरी की तजवीज़ मसले के हल के लिए मंजूर की जाती थी उसे ताहयात टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया जाता था। मुरखीन लिखते हैं कि टैक्स कवानीन की तरह इसमें भी एक सिकम ये था कि एक बार से ज़्यादा किसी हुकूमती मसले को हल करवाने के लिए कोई और इजाफी इनाम नहीं था। तो ये थे दुनिया भर से अजीबोगरीब टैक्स कवानीन की एक फहरिस्त। आप बताएं आपको इनमें से कौन सा टैक्स से ज़्यादा अजीब लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आइंदा इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।